आप 100 में से कितनी बार 10 माइनस कर सकते हैं? तो बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आपका आंसर क्या था हमें कमेंट में जरूर बताइए। असल में हम 100 से सिर्फ एक बार 10 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार 10 माइनस करने से वो हो जाएगा 90। तो इसीलिए हम 100 से सिर्फ एक बार ही 10 माइनस कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें इस पहेली का जवाब बताइए, वो क्या है जो आप किसी को देने के बाद भी अपने साथ रख सकते है। तो अच्छे से सोचिए और हमें अपना आंसर कमेंट में बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। असल में वो चीज जो आप किसी को देने के बाद भी अपने साथ रख सकते हैं, वो है आपका वचन। एक बार रोहन जंगल में घूमने गया था। वो जंगल में बहुत ही मजे कर रहा था, पर अचानक से वो एक जादुई जगह पर फंस जाता है, जहाँ से निकलने के सिर्फ 3 रास्ते थे और वो तीनों ही रास्ते में कुछ खतरे छुपे हुए थे। तीनों ही रास्ते में खतरे होने के बावजूद भी एक रास्ता रोहन को वहां से बाहर निकाल सकता था, और उन तीनों में से पहले वाले रास्ते के पीछे एक बहुत ही बड़ा और भूखा लायन था, और वहीं पर दूसरे वाले दरवाजे के पीछे एक टाइगर था जो भी बहुत ही भूखा लगता था, और तीसरे वाले रास्ते के पीछे एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट था जो भी बहुत ही डरावना दिखता था। तो अगर आप रोहन की जगह पर होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। अगर आप इन तीनों रास्तों को अच्छे से देखेंगे तो आपको तीसरा वाला रास्ता कुछ अजीब लगेगा, जहाँ पर एक हाथी है यानी कि एलिफेंट है, पर उस हाथी के पीछे बार लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो हाथी पालतू हाथी है और इसीलिए वो रोहन को कुछ नहीं करेगा। तो इस वजह से रोहन तीसरा वाला रास्ता चुनकर आसानी से बाहर निकल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।